पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। निधाय हृदिविश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रह। ओम शांति शांति शांति। इसमें अत्यंता भाव का लक्षण चल रहा है। त्रिकालिक संसर्गावचिन्न प्रतिकिता को अत्यंता भाव यथा भूतले घटो नास्ते। ठीक है, तो ये है क्योंकि यो अत्यंता भाव जो है, अभाव चार प्रकार का हुआ, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव, अनन्य भाव, है ना। ये अत्यंता भाव, अत्यंता भाव को ये लोग नित्य मानते हैं, अत्यंता भाव को नित्य मानते हैं। अनन्य भाव भी नित्य होता है, दोनों भाव नित्य होता है। ठीक है, इसलिए त्रिकालिक कहने से क्या हुआ, नित्य। त्रिकालिक का अर्थ है नित्य। ठीक है, तो नित्य कहने से क्या हुआ, दोनों अभाव का व्यावर्तन हो गया। प्राग भाव और प्रध्वंस भाव अनित्य है, ये त्रिकालिक शब्द के द्वारा दोनों का निवारण हो गया। ठीक है, और संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, ठीक है ना। अभाव शब्द नहीं दिया है, अभाव का प्रसंग चल रहा है इसलिए अभाव शब्द नहीं दिया है। ठीक है, तो संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव जो होता है, हाँ, वो तीनों होते हैं। क्या होते हैं, तीनों, प्रागभाव भी होता है, प्रध्वंस भाव भी होता है, अन्य भाव भी होता है। ठीक है, लेकिन मुख्य सिद्धांत में तो मुख्य सिद्धांत में संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव केवल अत्यंत भाव ही होता है। मुख्य सिद्धांत में संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव कौन होता है, केवल अत्यंत भाव होता है मुख्य सिद्धांत में। इसलिए त्रिकालिक शब्द है ये केवल स्वरूप के लिए, किसके लिए, स्वरूप। अत्यंत भाव नित्य होता है, इसलिए स्वरूप का कथन करने के लिए त्रिकालिक शब्द है, ऐसा समझ में ना, ऐसा मानते हैं, समझ में आया। तो ये तादात्मा, ये तुम्हारा अनन्य भाव होता है, वो संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव नहीं मानते हैं। इसलिए संसर्ग से क्या लेना है, तादात्म्य संबंध से अतिरिक्त संबंध लेना है। क्या, क्योंकि अनन्य भाव जो होता है वो तादात्म्य न होता है, वो कि नहीं, हाँ ऐसा अभी बताएंगे। लेकिन अत्यंत भाव जो होता है वो संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव होता है। जैसे भूतले घटो नास्ते दिया है, देखो यथा भूतले घटो नास्ते है, तो भूतले सप्तमांत है और घट प्रथमांत है, तो जहाँ पर अलग अलग विभक्ति अंत होगा वहाँ पर अनन्य भाव नहीं होता है। अनन्य भाव में तो दोनों प्रथमांत होते हैं, समान विभक्ति होती है। म्यूट कर लो, जैसे घट पटो न, घट पटो न, है ना, तो न का अन्व किसके साथ है, पट के साथ है। घट पटो न, घट हो गया प्रथमा एक वचन, पट भी प्रथमा का एक वचन, नहीं, इसलिए न का अन्व किसके साथ हो रहा है, पट के साथ, कि नहीं, इसलिए पट का अन्यन्य भाव, पट को पटो न का अर्थ क्या होगा, पटो अन्यन्य भाव कहाँ पर है, घट में है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, तादात्म्य संबंध से होता है, क्योंकि पट में पट रहेगा तादात्म्य संबंध से, और घट में रहेगा नहीं रहेगा, ऐसा समझ में कि नहीं, वहाँ पर तादात्म्य होता है। ठीक है नारायण, अच्छा घट पटो न कौन सा अभाव हुआ, अनन्य भाव, कि नहीं, घट पटो नास्ते,
क्या होगा, यहाँ पर कौन सा अभाव है बोलिए आप? यहाँ पर भी अनन्य भाव है। नास्ति अस्ति कहो या ना कहो, जहाँ पर समान विभक्ति हो तो अनन्य भाव ही होता है ना सामदेव, समझ रहे लो? घट पटो न कहो चाहे घट पटो नास्ति कहो, दोनों एक ही अर्थ है, ठीक है? और भूतले घटो नास्ति कहेंगे तो, और भूतले घटो न कहेंगे तो, हाँ अच्छा अस्थि हो या ना हो कोई मतलब नहीं, ठीक है? तब भूतले घटो नास्ति, ये अत्यंत भाव है। अच्छा भूतल में घट नहीं है, ये अत्यंत भाव है ना, अत्यंत भाव नित्य है कि अनित्य है? नित्य है, नित्य है। तो भूतले घटो नास्ति नित्य है कि अनित्य है? बोले भूतल में घड़ा रख देंगे तो घट का अत्यंत भाव मिलेगा नहीं है, तो फिर नित्य कैसे हुआ? फिर नित्य का मतलब जो हमेशा रहे उसी को तो नित्य कहोगे। भूतल में घट रख देंगे तो घट का अत्यंत भाव रहेगा उसका? किसका बोलो, भूतल में जो घट रख देंगे तो घट का अत्यंत भाव रहेगा? उसी भूतल की बात चल रही है, तो नहीं होगा तो फिर नित्य कैसे हुआ? देखो मुख्य सिद्धांत है उसमें भी घट का अत्यंत भाव रहता है, चाहे घट रहे चाहे घट ना रहे। ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली में आप लोग सुनेंगे, घट हो चाहे घट ना हो भूतल में घट का अत्यंत भाव तो रहता है, ये मुख्य सिद्धांत है, सुनते हैं ना? परंतु जिसमें घट रहता है उसमें घट के अत्यंत भाव रहने पर भी उसकी प्रतीति नहीं होती है, उसकी प्रतीति नहीं होती। क्यों प्रतीति नहीं होती है? क्योंकि उसका संबंध ना होने से। अभाव का संबंध क्या होता है? अधिकरण में स्वरूप संबंध होता है, क्या स्वरूप संबंध? वहां पर भूतल हो गया वही स्वरूप है उसका, क्या नहीं सुनते है ना? तो अभाव काल में जो संबंध रहता है ऐसा संबंध घट रहने पर नहीं रहता है, घट न रहने पर जो संबंध होता है भूतल, घट रहने पर ऐसा संबंध रहा नहीं रहा, समझा कि नहीं? अभाव कालीन जो भूतल संबंध है क्या है? अभाव कालीन जो भूतल रूपी जो स्वरूप संबंध है वो संबंध रहा घट होने पर? नहीं रहा। नहीं रहने से घट उपस्थिति के समय अत्यंत अभाव की प्रतीति नहीं होती है, समझ में ना? लेकिन है अत्यंत अभाव, आया ये इनका सिद्धांत है, नहीं तो फिर नित्य कैसे होगा? हाँ ये तो लिख दिया कि जथा भूतले घटो नास्ते, लेकिन भूतल में घट रहेगा तो अंत अभाव कैसे होगा? हाँ यहाँ पर शंका बनती ना, है ना समदेव, समझ में आ रहा है? भूतल में घट हो अथवा भूतल में घट ना हो अत्यंत अभाव तो रहेगा, है ना? लेकिन उसकी प्रतीति कब होगी अभाव की? हाँ उसका संबंध होता ना प्रतीति होगी। अभाव का संबंध क्या होता है अधिकरण में? स्वरूप। हाँ भूतल यदि रहेगा है कि नहीं, भूतल रहेगा है कि नहीं, घट ना हो तो वो संबंध रहा, इसलिए वहां पर अभाव की प्रतीति होती है। अब घट रह गया इसलिए स्वरूप संबंध नहीं रहा, अभाव कालीन जो स्वरूप संबंध है वो संबंध कहाँ है? तो घट रख दिया ना, वो घट ही प्रतिबंध है। हाँ ऐसा मान लो, समझ में ना? इसीलिए वहां पर संबंध न होने से उसकी प्रतीति नहीं होती है, ये सिद्धांत इनका। इसका समाधान वहां पर न्याय सिद्धांत मुक्तावली में ये लोग करते हैं, समझ में आएगी? तो अत्यंत अभाव क्या होता है? नित्य, घट रहने पर हो कि न रहने पर, हाँ चाहे रहे चाहे न रहे। हाँ हाँ आप समझ में आएगी? नहीं चलो में तो वो लोग अधिकरण स्वरूप मानते हैं ना,
मीमांसक लोग वेदांती लोग अधिकांश स्वरूप मानते हैं, इसलिए अभाव की स्थिति नहीं होती है, ये कहने का मतलब समझ में ना। ठीक है, ऐसा है तो प्रतिति मात्र है, प्रातितिक है ना। हाँ ऐसा है, प्रातितिक मात्र, प्रातितिक मात्र, इसलिए मिथ्यात्व का निश्चय हो जाएगा, नहीं तो मिथ्यात्व का सिद्ध कैसे करोगे आप लोग वेदांती भी, है ना। स्वाश्रय निष्ठा अत्यंत अभाव प्रतियोगितम, स्वाश्रय निष्ठा अत्यंत अभाव प्रतियोगितम मिथ्यात्व का लक्षण है, तो अत्यंत अभाव तो आप भी मान रहे हो ना, स्वाश्रय निष्ठा अत्यंत अभाव प्रतियोगितम मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का ही लक्षण करते हो, प्रातितिक मात्र है। चलो ये होता है, हो गया ना भाई। टीका देख लो, पदकृत्य है ना सामदे, अत्यंत भाव लक्षयति त्रैकालिक इति, त्रैकालिकत्वे सति संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंत भाव है। देखो प्रतियोगिता का भाव कह देना, जैसे भूतले घटो नास्ति, भूतले घटो नास्ति, प्रतियोगी कौन, प्रतियोगी हो गया घट, प्रतियोगिता किन निष्ठा, घटनिष्ठा, प्रतियोगिता यह अवच्छेदक संबंध संसर्ग संयोग आदि है ना, समझ में ना, इसलिए उसको कहते हैं प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध, ये ना संबंध है ना है, प्रतियोगी नास्ते सबंध प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध, क्या ना संबंध ना घटो नास्ते संयोग है ना भूतले, इसलिए संयोग संबंध हो जाएगा अवच्छेद संबंध, ठीक है नहीं, ऐसा ले लीजिए, हो गया भाई। ऐसा है, इसलिए संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता, देखो कैसे करोगे, हैं संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता को, प्रतियोगिता का कौन अभाव है ना सामने, पहले बताया था आप लोगों को संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता में कैसे विग्रह करोगे सामने, बोलो। अरे शुरू में संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का में यस्य, देखो इसको ऐसा करना है, संसर्ग अवच्छिन्न में तृतीय तत्पुरुष करो पहले, संसर्गेण अवच्छिन्ना इति संसर्ग अवच्छिन्ना, क्या समझ हुआ, तृतीय तत्पुरुष समझ में आया, बहुत लोग तो इसको पढ़ लेते हैं हाँ, लेकिन वो इनको विवरण नहीं आता है, इसलिए समझना पड़ता है, व्याकरण के बिना नहीं समझ में आएगा ये, ठीक है, व्याकरण का प्रयोग करेंगे तो स्पष्ट होता है, क्या होता है हाँ, जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तब तो थोड़ी सी क्या होती है, कमी लगती है, नहीं लगती है क्या, एक एक पद को जब तक आपका स्पष्टीकरण नहीं होगा तो क्या लगती है बुद्धि में, कमी लगती है, बोले बोल नहीं पाएगा लेकिन कमी तो लगती है, ये स्पष्ट तया होना चाहिए, तो क्या होगा संसर्गावच्छिन्ना, पहले क्या शब्द होगा संसर्गेण अवच्छिन्ना, संसर्गावच्छिन्ना, तो अवच्छेदक कौन हुआ संसर्ग, अवच्छेदक हो गया संसर्ग, और अवच्छिन्ना कौन प्रतियोगिता, प्रतियोगी निष्ठ जो प्रतियोगिता है, समझ में है ना, फिर क्या करो बहुवरी समास करो, संसर्ग अवच्छिन्ना प्रतियोगिता यस्य, यस्य सह बोले प्रतियोगिता को, ऐसा हो जाएगा प्रतियोगिता को, हो गया, अब उसको क्या होगा पूर्णवद भाव हो जाएगा, संसर्ग अवच्छिन्ना में आ था कि नहीं, स्त्रीलिंग था ना संसर्ग अवच्छिन्ना, उसको क्या हो गया पूर्णवद भाव हो जाएगा, क्या है सामदेव सूत्र, स्त्रियाः पुंस्कादनं समानाधिकरण है, उससे हो जाएगा, उसके पूर्णवद भाव हो जाएगा किसको संसर्ग अवच्छिन्ना, और स्त्रीलिंग था कि नहीं उसको, उसको मुझे पूर्णवद भाव हुआ इसलिए हर्ष हो गया, इसलिए अवच्छिन्ना नहीं दिख रहा है ना, आया समझ में, किससे पूर्णवद हुआ
त्रयः पुनवत भाषित पुष्कादनुक समानाधिकरण है, उसे क्या हो जाएगा, पुनवत भाव हो जाएगा, है ना, शब्द बन गया। अब क कहाँ से आया, शेषाद विभाषा, शेषाद विभाषा से क प्रत्यय आ गया, ऐसे में इसलिए प्रतियोगिता क कहने से प्रतियोगिता का निरूपक, प्रतियोगिता का निरूपक अभाव हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ऐसा कर लो। इसलिए संसार हो गया ना भाई। अब पदकृत देख लो, त्रैकालिकत्व सत्य, त्रैकालिक दिया ना विशेषण, त्रैकालिकात नित्य, त्रैकालिकत्व सत्य संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता को, मतलब अभाव को भी जोड़ देना है, प्रतियोगिता का अभाव अत्यंत अभाव हो गया कि नहीं हुआ। तो नित्य हो करके संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का हो अभाव, उसको कहेंगे अत्यंत अभाव, हो गया ना भाई। त्रिकाले का विशेषण दिया ना, त्रिकाले के नहीं देंगे तो कहाँ जाएगा लक्षण, ध्वंस प्रागभाव, क्योंकि ध्वंस प्रागभाव को कोई संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता मान करके बोल रहा है, किसको, दोनों को भी संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव मान कर कह रहा है। यह त्रिकाले का नहीं देंगे तो दोनों में जाएगा अत्यंत अभाव में जाते हुए। अरे भेद वर्णाय संसर्ग इत्यादि है, हाँ मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब त्रिकालिकत्व, त्रिकालिक अभावत्म इतना कह लो, क्या कह लेंगे, त्रिकालिक अभावत्म कह लेंगे, अथवा संसर्ग नहीं देंगे तो तादात्म्य, तादात्म्य संबंध हो जाएगा। संसर्ग यदि नहीं कहेंगे, सुन लीजिए, तो केवल संबंध होगा, फिर संबंधावचिन्न प्रतियोगिता का अभाव है कि नहीं होगा, है ना, है ना, हाँ। और त्रिकाली का भी है कि नहीं है, हुआ ना, तो किस में चला जाएगा, अनन्य भाव, वो भी संबंधावचिन्न है ना, तादात्म्य संबंधावचिन्न प्रतियोगिता का अभाव है, वो भी त्रिकाली नित्य भी है, वो हो गया ना। अच्छा अब न्यायबोधिनी में देखिए, तो त्रिकालिक का अर्थ क्या है, नित्य, देखो कह रहा अत्यंत भावम निरूपयति त्रिकालिक इत्यादि प्रागा, देखो नित्य का क्या लक्षण है, नित्य का लक्षण क्या है, प्रागभाव प्रतियोगित्व सती ध्वंसा प्रतियोगित्व है कि नित्य का लक्षण। त्रिकालिक का अर्थ क्या है, नित्य, त्रिकालिक शब्द का अर्थ क्या हुआ, नित्य हुआ ना, तीनों काल में जो रहे उसको तो नित्य कहेंगे ना, है ना। तो देखो यहाँ पर नित्य न कहकर क्या कह दिया न्यायवधि में, प्राग भावा प्रतियोगित्व सते धमसा प्रतियोगित्व सते, ठीक है हाँ, और आगे क्या कहा, संसर्ग अवचिन्न कहा ना, नहीं मिला आपको, आपको नहीं मिला भूमा चेतन जी, क्या हुआ नहीं मिला, मिला अन्यन्य भाव भिन्नत्व सति, ये किसका कह रहे हैं, संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का है, इसके द्वारा किसका निराकरण किया है, अन्यन्य भाव का, अन्यन्य भाव का निराकरण हो गया नहीं, इसलिए कहा अन्यन्य भाव भिन्नत्व सति अभावत्तम है, तो लक्षण क्या हुआ बोलिए, न्यायवधिनी में बोलिए लक्षण, ध्वंस प्रतियोगित्व से ध्वंसा, ध्वंसा हाँ अभावोत्तम अत्यंत अभाव से लक्षण, तो अभाव के कितने विशेषण है, चार हो गए ना, प्रागभाव प्रतियोगित्व सति ध्वंसा प्रतियोगित्व सति अन्य भाव भिन्नत्व सति, तीन तो है विशेषण, तीन ही है अभाव का विशेषण, तीन ही है, ठीक है। अच्छा तीन विशेषण के द्वारा, तीन विशेषण के द्वारा तीनों का व्यवर्तन हो जाएगा, ये व्यावर्त कितने हो जाएंगे, तीन, तीन हाँ तीन हो जाएंगे ना, देखो लिखा है ध्वंस प्रागभाव अन्योन्य भाव, पहला विशेषण क्या है, हाँ प्राग भावा प्रतियोगिता सत्य, ये नहीं देंगे
है ना, मतलब पहला विशेषण नहीं देंगे तो कितना रहेगा, ध्वंसा प्रतिजीव सत्य अन्य भाव भिन्न सत्य अभावत्तम, इतना रहेगा तो कहाँ पर चला जाएगा, बोलिए। ध्वंस का अप्रतियोगी ध्वंस भी है कि नहीं, है ध्वंस का प्रतियोगी ध्वंस भी है, तो ध्वंस अप्रतियोगी बराबर कौन होगा, ध्वंस नहीं होगा, ध्वंस होगा ना, तो ध्वंस में लक्षण चला जाएगा, हो गया कि नहीं होगा, कहाँ पर लक्षण चला जाएगा, हाँ क्या न देने पर, प्राग भाव प्रतियोगित्व नहीं देंगे तो पूरा घट जाएगा। ध्वंस का अप्रतियोगी ध्वंस है और अन्य भाव से भिन्न भी है वो और अभाव भी है, हो जाएगा है ना। और दूसरा विशेषण ध्वंस अप्रतियोगित्व ये नहीं देंगे तो कितना रहेगा, प्रागभाव अप्रतियोगित्व स्थिति, तो प्रागभाव का अप्रतियोगी प्रागभाव है कि नहीं, है उसमें भी चला जाएगा, हो गया भाई। और अन्य भाव भिन्न स्थिति स्पष्ट ही है, अन्य भाव में चला जाएगा है ना। और अभाव जो नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे, अभाव पर जब नहीं देंगे कितना रहेगा, बोलिए। प्रागभाव प्रतिगित सत्य ध्वंसा प्रतिगित सत्य अन्य भाव भिन्नतम, इतना रहेगा, किस में जाएगा, किसका प्रागभाव नहीं होता है, जिसका अर्थ क्या हुआ, जिसका प्रागभाव न हो, जिसका ध्वंस न हो है ना, और जो अन्य भाव अन्य भाव से भिन्न हो, ऐसा कौन, आकाश है कि नहीं, बोले नित्य पदार्थ ले लो, नित्य पदार्थ का प्रागभाव नहीं होता है, ध्वंस भी नहीं होता है, अनन्य भाव से भिन्न है कि नहीं, भाव है ना वो, जो नित्य भाव पदार्थ उसमें जाएगा, नित्य जो भाव पदार्थ है उसमें चला जाएगा, क्या न देने पर, अभाव पद न देने पर, विशेष्य पद न देने पर, अभाव ना है अभावत्तम विशेष्य न है, ठीक है समझे, समझ में आ रहा है, हैं। आदि पद से क्या लोगे बोलो, हाँ आत्मा है मन है परमाणु है ये सब ले लो, ठीक है, जो नित्य पदार्थ है भाव, भाव इसलिए कह दिया यथा क्रमम विशेषण उपादानम, क्रम से विशेषण का ग्रहण किया गया। अब कहते हैं वस्तु तस्तु, देखो त्रिकाली का जो पद था क्या था, क्या जी, हाँ भाई अन्य भाव भिन्नत्व तो नहीं देंगे तो अन्य भाव में नहीं जाएगा, अन्य भाव भिन्नत्व तो ये पद नहीं देंगे तो कहाँ पर चला जाएगा, अन्य भाव में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। चलो वस्तु तस्तु संसर्गा भावत्म तादात्म भिन्न संबंधावचिन्न प्रतियोगिता का भावत्म, देखो यहाँ पर जो है ना, तो संसर्ग शब्द आया कि नहीं आया, हैं, तो संसर्ग भाव जो होता है वो वस्तुतः कौन होता है, तादात्म संबंधावचिन्न प्रतियोगिता का अभाव को ही संसर्ग भाव कहा जाता है कि नहीं, इसलिए संसर्ग शब्द जो है ना ये पारिभाषिक शब्द है, किसमें विवक्षा होता है, तादात्म संबंध से जो अतिरिक्त संबंध होता है उसको यहाँ पर संसर्ग शब्द से कहा जाता है, आएगा समझ में, इसलिए वस्तु तस्तु संसर्ग भावत्व तादात्म संबंधावचिन्न, कहाँ गया, तादात्म भिन्न, हाँ भिन्न है, तादात्म भिन्न संबंधावचिन्न, तादात्म भिन्न संबंध कौन हो जाएगा, संजोगादि है, संबंधावचिन्न प्रतियोगिता अभाव को ही लिया जाता है संसर्ग भावत्व से, ये विवक्षित अर्थ होता है, ठीक है कि नहीं। जब ऐसा अर्थ करेंगे तो ध्वंसाभाव और प्रागभाव जो है ना वो संसर्ग भाव नहीं होता है, कौन, हाँ और संसर्ग भाव नहीं होता है, इसलिए संसर्ग भाव जब नहीं होता है तो त्रिकाली के पदम किमर्थम, वो तो व्यर्थ हो गया, क्या हो गया, व्यर्थ हो गया ना, बोलते हैं व्यर्थ नहीं है वो, किसके लिए, वो स्वरूप का कथन के लिए, किस लिए, स्वरूप का कथन के लिए हो जाता है
ऐसा नहीं, इसलिए कई जगह पर ऐसा आता है है ना, नौ देने से पर भी हो जाता है, लेकिन स्वरूप का भाई अत्यंत अभाव नित्य होता है उसको कहने के लिए ये कहा जाता है। ठीक है, ये कह रहे ध्वंस प्राग भावयश्च न संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगितात्वम इति तेनैव तद्वारणा, है ना, इले तेनैव, इले तेनैव का मतलब संसर्गावच्छिन्न इस पद से ही, है ना, हाँ तद्वारणे मतलब क्या लिखा आगे, हाँ ठीक है, उसी पद से उसका वारण हो जाएगा। किस पद से? संसर्गावच्छिन्न इस पद से ही किसका वारण हो जाएगा, हाँ प्रागभाव आदि का भी हो जाएगा, अनन्य भाव का भी हो गया, मतलब सबका हो गया कि नहीं हो गया, है ना। ये त्रिकालिक इति, त्रिकाल जो पद है, स्वरूप क्या लिखा है आख्यानम एव, स्वरूप का कथन के लिए ही त्रिकालिक पद है, इति बोध्यम ऐसा समझना चाहिए, ये सिद्धांत होता है। ठीक है, अच्छा एक अभाव है अंतिम में, उसको देखिए, अनन्य भाव को कह रहे हैं तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्या भाव हो, तो देखिए यथा घटः पटोना, हाँ कहते हैं घटः पटोना, घटः पटोना कहने से क्या होगा, नौ का अन्न जिसके साथ होता है वो होता है प्रतियोगी, वो होता है नौ का अन्न किसके साथ है, पट के साथ है, वो हो जाएगा प्रतियोगी, इसलिए पट प्रतियोगी का भेद, पटो नौ का अर्थ क्या होगा, पट प्रतियोगी का भेद, सुनते हैं पट प्रतियोगी यस्य कि नहीं, सह पट प्रतियोगी का, पटो नौ का अर्थ क्या होगा, पट प्रतियोगी का भेद, ये किसका अर्थ हुआ, पटो नौ का अर्थ होगा, समझ में ना, हो गया, क्या अर्थ होगा, हाँ प्रतियोगी का भेद, भेद ही बोलना पड़ेगा, और भेदवान कौन होगा, घट हो जाएगा, भेदवान घट, इसलिए घट पटनों का अर्थ क्या होगा, पट प्रतियोगी का भेदवान घट, ये अर्थ निकलेगा, समझ में नहीं, क्या अर्थ निकलेगा, घट, ये अर्थ निकलेगा। क्या हो गया, कट गया, आधे घंटे के बाद, अच्छा अब आ रही है, ठीक है फिर, कहाँ अभी कहाँ हो के तुम, ठीक है, हेलो, हाँ ठीक है ठीक, चलो घटः पटोना, पट प्रतीक भेदवान घट, ये अर्थ होता है, ठीक है भाई, अच्छा यहाँ पर और स्पष्टीकरण कह लो, प्रतियोगी बराबर कौन, पट है ना, तो पट का अभाव है, पट का अभाव है कहाँ पर, घट में, किस संबंध से, तादात्म्य संबंध से, किस संबंध से, तादात्म्य, क्योंकि पट तादात्म्य संबंध से कहाँ रहता है, पॉट में ही रहेगा, पॉट पॉट में तादात्म्य संबंध से रहता है, घट में मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ उसका अभाव मिलेगा, ठीक है, हो गया ना, इसलिए प्रतियोगी बराबर पट, प्रतियोगिता पटनिष्ठा स्त्रीलिंग है, येन संबंधेन पटो नास्ति, सहसंबंध हाँ सहसंबंध प्रतियोगिता आवश्यक संबंध, येन संबंधेन प्रतियोगी नास्ति, केन संबंधेन, तादात्म्य संबंधेन, है कि नहीं, ये सहसंबंध प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध, इले तादात्म्य संबंध हो जाएगा अवच्छेदक संबंध, किसका, प्रतियोगिता का, है ना, इसलिए
तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न कौन होगी? प्रतियोगिता। प्रतियोगिता के निष्ठा पट निष्ठा, इले तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता बराबर पट निष्ठा। पट निष्ठा है ना, प्रतियोगिता का प्रतियोगिता का निरूपक अभाव पटो न, यह अभाव हो जाएगा, भेद हो जाएगा, ऐसा समझ में है। इसलिए तादात्म्य यहाँ पर भी ऐसे ही विग्रह करना है पहले की तरह, तादात्म्य संबंधेन अवच्छिन्न, बोलिए तादात्म्य संबंधावच्छिन्न आकारांत कैसा होगा विग्रह? अवच्छिन्न इति तादात्म्य संबंधावच्छिन्न। फिर आगे तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता यस्य सह ताक कौन हो गया? अभाव पटो न इत्याकार का अभाव हो गया ना, ये होता है ठीक है। इसको कहते हैं अन्य अभाव, यथा घट पटो न कह दिया, हो गया कि नहीं? देखिए पदकृत्य में क्या है, अन्य भाव लक्षयति तादात्म्यति, हो गया ना, अन्य भाव का लक्षण किया तादात्म्य संबंध इस पद से। प्राग भाव आगे क्या लिखा है, प्रध्वंस भाव बाणाय तादात्म्य, तादात्म्य जब नहीं देंगे है ना, हाँ तो कितना रहेगा? हाँ इसको ऐसा ही कर लीजिए, तादात्म्य से लेकर के अंत अंतिम तक कर दीजिए है ना, मतलब अभावत्तम इतना कहेंगे, कितना कहेंगे? अभावत्तम इतना कहेंगे तो कहाँ पर प्रागभाव में और ध्वंसा भाव में चला जाएगा, ये कहने का मतलब। हालांकि वहाँ पर भी चला जाएगा, कहाँ पर? उसमें नहीं जाएगा, अत्यंता भाव में, हाँ उसमें भी तो चला जाएगा, उसको नहीं दिया है इसमें। आए क्या लिखें देखें, अत्यंता भाव बाणाय तादात्म्य संबंधो संबंधो विशेषणीय, हाँ ठीक है तादात्म्य नहीं देंगे तो कितना रहेगा? संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, तो ये अत्यंत भाव में जाएगा क्योंकि संबंधावच्छिन्नता ही वो नहीं, संसार का संबंधावच्छिन्न नहीं, समझ में आया आए हैं क्या कह रहे हैं? बोलिए तादात्म्य नहीं देंगे तो उसमें क्यों जाएगा? संबंधावच्छिन्न नहीं है ना, आपकी पुस्तक में क्या दिया है? हाँ ठीक है, और आगे हाँ हाँ तो क्या हुआ फिर, तादात्म्य जो नहीं देंगे तो कितना रहेगा? हाँ वही तो, कहाँ जाएगा? जाएगा कहाँ? अत्यंत भाव में जाएगा ना, क्योंकि संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता भाव नहीं है क्या वो? है आप क्या कह रहे हैं? दोनों वाक्य में तादात्म्य ही दिया है, दूसरे में तादात्म्य संबंध दिया है अत्यंत अभाव, उसमें तादात्म्य दिया है। लाइए क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, मैं समझ नहीं आ रहा ना क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ बोलिए कहाँ है? प्राग भाव प्रध्वंस भाव वारणाय तादात्म्य थे, तादात्म्य जो नहीं देंगे ये ऐसा करिए, तादात्म्य इति कहने से पूरा ले लीजिए, अभाव को छोड़कर पूरा लीजिए, मतलब अभावत्तम इतना होगा ये तात्पर्य है, ऐसा करेंगे तब घटेगा है ना शामदेव। तादात्म्य कहने से क्या हुआ, पूरा ले लीजिए, मतलब तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अभावत्तम इतना कहेगा है ना, वो सभी में चला जाएगा, प्रागभाव में जाएगा, प्रध्वंस भाव में जाएगा, समझ में आया कि नहीं है, है ना, ऐसा ले लीजिए। और अभी जो कह रहे हैं तादात्म्य जब नहीं देंगे तो कितना रहेगा? संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव रहेगा, संबंध नहीं देंगे, नहीं नहीं केवल तादात्म्य नहीं देंगे, फिर क्या कह रहे हैं?
अरे भाई तादात्म्य न संबंधों लेना चाहिए, ये बोल रहे हैं। केवल संबंधों को नहीं, तादात्म्य न मतलब तादात्म्य संबंधों को लेना चाहिए, ये कहने का हुआ। नहीं समझ में अभी है? केवल संबंध नहीं, तादात्म्य संबंध मतलब तादात्म्य संबंध को लेना चाहिए। तो अर्थ क्या निकला? अर्थ यही लगला ना कि तादात्म्य नहीं देंगे कितना रहेगा, संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव इतना रहेगा, तो कहाँ चला जाएगा? हाँ यही कह रहा आप। और आपका क्या कहना फिर? यही है ना, ऐसा होना चाहिए। और कोई हो तो फिर बोलिएगा। अच्छा मूल में देखो, न्यायवधिनी में अनन्या भावम निरूपयति, बराबर है तादात्म्य इति। अभाव त्रय वाणाय विशेषणम, ये देखो लिख दिया ना, विशेषण कौन है? प्रतियोगिता का वहां तक जाएगा सब, कहाँ तक जाएगा? अभाव का विशेषण है ना भाई। अभाव का विशेषण क्या है? प्रतियोगिता को, यह विशेषण पूरा होगा है ना। तो ये जब नहीं देंगे तो कितना रहेगा? अभाव है, अभावोत्तम। ये न्यायवधिनी का ठीक लिख रहे हैं। हाँ मतलब तीनों में चला जाएगा, अभाव त्रय वाणाय विशेषणम, हो गया कि नहीं? अव्यक्ता ने जी, ठीक है ना। उसके बाद क्या है आपकी पुस्तक में, बोलिए। हाँ विशेष पद क्या है? अभाव। हाँ अच्छा ये भी दिया है, ठीक है ना। तो अभाव, हाँ अभाव जब नहीं देंगे तो कितना रहेगा? तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, प्रतियोगिता को। तो देखो घटा भावान न, कैसा प्रतीति हुई? घटा भावान न, ऐसी प्रतीति है ना। घटा भावान, घटा भावान न, ये जो प्रतीति हो रही, ये प्रतीति का विषय क्या है? घट, ये घट, हाँ घट हुआ ना। तो घट जो है घटा भाव वाला है क्या? है कि नहीं? नहीं है। तो ये जो प्रतीति है, प्रतीति का विषय क्या है? अभाव है कि घट है? हाँ लेकिन यहाँ पर जो विशेषम दिया, हाँ ठीक है, एक मिनट रुको, विशेषम दिया ना, विशेष पद जो नहीं देंगे तो घटा भावान न, प्रतीति विषय घटादि वाणा विशेषण। विशेष कौन है? अभाव है ना, विशेष तो अभाव है ना भाई। विशेष पद नहीं देंगे तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता क, तो यहाँ पर घटाओ, कोई बात नहीं, यहाँ पर घटा लीजिए। हैं देखो कैसे है, तो इस प्रकार करिए इसको, घटा भावान न, घटा भावान न कहने से प्रतियोगी कौन है? न का प्रतियोगी हो गया है, एक मिनट रुकिए, इसको घट में जाएगा ना, घट में जाएगा, किस में जाएगा? घट में जाएगा, बराबर ना। कितना रहेगा? तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को, एक मिनट रुको, ये घट जो हुआ, हाँ ठीक है, ऐसा इस प्रकार करिए इसको, ये प्रतीति हो रही है ना, घट घटा भगवान न, घट घटा भगवान न, इस प्रकार करिए, घट सुनिए देखो, घट घटा भगवान न, हुआ कि नहीं हुआ? बोले घट घटा भगवान न, हुआ? तो प्रतीति का विषय क्या हो रहा है? घट नहीं हो रहा है, यहाँ पर घटा, ये देखो है, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता क, घट घटा भगवान न, ऐसा हो रहा है ना। तो इसमें घटा, इसको किस प्रकार घटाएंगे?
घट घट भावान ऐसा करना है ना, इसको संक्षेप से दिया है, घट घट भावान न, है ना। तो प्रतियोगी बराबर कौन हुआ, प्रतियोगी हो जाएगा घटाभाव, है ना। प्रतियोगिता प्रतियोगिता इसको इस प्रकार करना चाहिए, घट घटा ऐसे प्रतीति हो रही है ना, घट घटा भावान न। चलो इसको कल करते हैं, कल करते थोड़ा विचार कर लें। ओम पूर्णमदः।